स्वागत है आप सबका, मैं मनोहर कुमार और आज हम हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ और आपके सामने ये है रेडियो मीटर। तो हम बताएंगे कि रेडियो मीटर क्या होता है और ये कैसे चल रहा है। तो रेडियो मीटर का आविष्कार विलियम कूर्क ने 1873 ईस्वी में किया था और ये रेडियो मीटर जो है इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है। हालांकि पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है, पार्शियली वैक्यूम है और इसमें गैस की मात्रा थोड़ी सी है और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का एक वो लगा हुआ है, यानी कि चार टुकड़े हैं और वो जो है एक तरफ से ब्लैक कलर का है और एक तरफ से वाइट कलर का है। तो वो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा समझते हैं कि सूरज का लाइट अभी आ रहा है और ये इसको समझने से पहले हमको एक बात समझना होगा कि कोई भी वाइट कलर जो है, वाइट कलर सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी वेव लेंथ का इस पर अगर प्रकाश पड़ेगा, अच्छा एक और चीज़ देखिए, कोई चीज़ लाल पीला काला हरा या ब्लैक या वाइट क्यों दिखाई देता है? अगर मानते हैं देखिए ये मेरा जैसे शर्ट है तो शर्ट लाल दिख रहा है, क्यों भाई कैसा दिख रहा है? इनका ब्लैक दिख रहा है ना, तो हाँ लाल दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सूरज के लाइट में या जो वाइट लाइट है वो जो आ रहा है और उसमें से ये रेड कलर का जितना वेवलेंथ होता है वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी ये ऑब्जर्व हो जा रहा है ना। तो जो कलर का वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होके आपको जो दिखता है वही कलर आपको दिखता है। कोई हरा चीज़ इसलिए हरा दिखता है क्योंकि उससे हरा कलर का जो वेवलेंथ का है वो तरंग वापस आता है तो आपको दिखता है। उसी तरह से कोई प्रकाश आपको वाइट क्यों दिखता है? वाइट इसलिए दिखता है कि उससे सारे वेव लेंथ के जो तरंग हैं वेव हैं वो वापस आते हैं, ठीक है। और तो इससे क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि जो वाइट कलर का है उससे सारे वेव लेंथ टकरा के वापस आ रहे हैं, ये पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और जो ब्लैक है वो क्या कर रहा है? ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है कि कुछ रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है ना। यानी कि जितना रेडिएशन है या यूँ कहिए जितना तरंग दैर्ध्य का अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है वो सब ऑब्जर्व कर रहा है। यानी ब्लैक कलर क्या करता है? सारे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखिए इस कारण क्या होता है कि ब्लैक कलर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिन में जो है ना वाइट कपड़े पहनना चाहिए, है ना। इसीलिए अरब कंट्री में वो जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वाइट वाला पोर्शन है, जो सफ़ेद है, वो क्या कर रहा है कि सारे प्रकाश को जो सूरज का लाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए वो उतना गर्म नहीं हो रहा है। और जो ठीक ब्लैक वाला है तो ब्लैक क्या कर रहा है कि हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, जो सारे वेवलेंथ को जब ऑब्जर्व कर रहा है तो वो हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। और गर्म होके देखिए ये जो है ना पूरी तरह से पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है, इसमें थोड़ा सा गैस भरा हुआ है। तो वो गैस क्या हो रहा है, जो इसका ब्लैक साइड है वो तो गर्म हो जा रहा है और गर्म होने के कारण इसके अंदर जो भरा हुआ गैस है वो भी गर्म हो रहा है और जो गर्म वाला पोर्शन है उस गैस को गर्म करके अपने से दूर भेज रहा है। क्योंकि गैस जब गर्म होगा क्या होगा, उसका अणु दूर दूर जाएगा, यानी उसको अपने से जब दूर जाता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब वो दूर जाएगा तो इसको भी धक्का देगा, है ना। और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जिधर वाइट जो यहाँ स्लाइड जैसा है वो क्या है, कंपेरेटिवली थोड़ा ठंडा है, तो एक तरह से कन्वेंशनल करेंट चलने लगता है, संवहन धाराएं चलने लगती हैं, यानी गर्म से ठंडा की तरफ हवा बढ़ने लगता है ना। तो इससे एक धक्का लगता है इसके जो देख रहे हैं स्लाइड जैसा है उस पर, और फिर उसके बाद ये आसानी से घूमने लग रहा है। अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका इंटेंसिटी और बढ़ा दें, जो सूरज का लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी और बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये और तेज़ी से चलने लगेगा। तो हम फ्रेंसर लेंस की मदद से इसका इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं। फ्रेंसर लेंस लो, तो ये हमारे पास फ्रेंसर लेंस, और ये क्या करता है कि ये फोकस करता है, यानी कि जो सूरज का लाइट आ रहा है उसको एकदम फोकस करेगा एक बिंदु पर, देखिए ऐसे ये है ना, तो इस ढंग से ये फोकस करता है ना, कर रहा है ना, आप देख पा रहे हो, तो इस ढंग से ये फोकस करता है। और इसको अगर हम इस पर फोकस करते हैं तब आप देखिएगा कि ये किस रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा, और देखिए ये स्पीड बढ़ने लगा है, क्यों भाई स्पीड बढ़ रहा है ना, वाह ये स्पीड बढ़ रहा है और ये बहुत ही तेज़ी से चलने लग रहा है। इसका मतलब हुआ है कि जैसे ही आप इंटेंसिटी लाइट को बढ़ाएंगे वो और तेज़ी से चलने लगेगा।
वाओ, आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा सा है ना। क्यों भाई, बहुत तेजी से चल रहा है ना। तो आपने देखा कि ये कितना तेजी से चलने लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है वो उतना ही तेजी से चलता है, क्योंकि जो संवहन धारा है यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो और अधिक हो जा रहा है और संवहन धारा और तेजी से घूम रही है और व्हाइट वाले ब्लैक वाले पे ज्यादा पुश कर रही है, इसलिए तेजी से चल रहा है। तो आप जानेंगे फ्रेंसर लेंस के बारे में, और इसका आविष्कार जो है वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, भौतिकविद थे, ऑस्टिन जीन फ्रेंसल, उन्होंने किया था और उन्हीं के नाम पे इसको फ्रेंसल लेंस कहते हैं। एक्चुअली ये लेंस जो है ये देखिए एकदम फ्लैट जैसा है ना, कोई इसमें डायमीटर नहीं है, कोई मतलब ये मोटा नहीं है, यानी कि ये बहुत ही कम मटेरियल में और ज़्यादा मतलब ये कम फोकल लेंथ का लेंस है, यानी कि ये दूर से आती हुई लाइट को आराम से आप देख पा रहे हैं। आराम से ये क्या कर रहा है ऐसे देखा जाए, क्यों भाई, यहाँ दूर से आती हुई लाइट को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फोकस कर दे रहा है ना। तो देखिए दूर से आती हुई लाइट को फोकस कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, वाओ, आप देख पा रहे हैं ये जो है ना काफी वो, ये देखिए है ना, अगर इस पे हम लोग माचिस रख दें तो क्या होगा भाई, जल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको माचिस रख के देखते हैं कि क्या होता है, और देखते हैं कि किस तरह ये जल रहा है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए, क्यों भाई, उधर से लाइट आ रहा है ना, और ये देखिए इस तरह से वहाँ पे फोकस हो रहा है, और ये देखिए इस तरह से ये फोकस हो रहा है, सूरज का लाइट उधर से आ रहा है और एक बिंदु पे ये जो फोकस हो रहा है ना, सब कोई को दिख रहा है, फोकस हो रहा है, वाओ, आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही प्यारा इस तरह से फोकस हो रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम माचिस का तीली रख दें तो क्या हो गया, आग लग गया इसमें और ये जलना आरम्भ कर दिया है ना, और माचिस का तीली जल चुका है, और दूसरा तीली रखते हैं और दूसरा तीली रखते हैं, और ये देखिए दूसरा तीली रखते ही क्या होगा, ये भी आराम से जलना शुरू हो जाएगा। तो 1, 2 और ये देखिए इतना तेज लाइट, बाप है ना, ये तुरंत जलने लग रहा है। अब हम ट्राई करते हैं अखबार के साथ, और ये देखिए हमने अखबार रख दिया है और उसमें माचिस का तीली रख दिया और ये अखबार जलना शुरू हो गया है, वाओ। और आप देख सकते हैं ये पूरा तरह दिख रहा है आपको, ये फायर जल रहा है। और ट्राई करते हैं एक बार फिर से, और हम लेते हैं एक दूसरा अखबार और इस पे, वाओ, देख सकते हैं कैसे आग जलना शुरू हो गया है। और सूरज का लाइट जो है, धूप बहुत तेज है इसलिए आपको ठीक से ना दिखता हो, लेकिन देखिए ये पूरी तरह दिख रहा है, ये कमाल का पूरा फायर जल रहा है और ये कागज़ जल चुका है, वाओ क्या बात है। और आप देख पा रहे हैं ये कागज़ एक फ्रेंसल लेंस से जल चुका है, लेंस का कमाल है कि ये पूरी तरह ये आग पकड़ लिया है। ये था फ्रेंसल लेंस, और क्या होता है कि ये उत्तल लेंस है और इतना सारा जो रेज आ रहा है उसको एक बिंदु पे फोकसित कर दे रहा है, इस तरह से वो माचिस का तीली जल उठा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।